अंग्रेजों का सारा चीज को बहिष्कार कर दिया गया। हम लोग का पूर्वजों का जमीन लीलाम कर दिया गया। जो लीलाम हुआ जमीन अभी तक वापस नहीं हुई है। ऐसा जी गुलाम था उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं थे। महात्मा गांधी के आदर्शों पर दिन रात चलने वाले झारखंड के आदिवासी टाना भगत आज भी अपने प्रिय नेता को जिस भाव से याद करते हैं, देश में शायद ही कोई दूसरा समुदाय ऐसा करता होगा। रांची के बापू वाटिका में टाना भगतों ने सुबह से ही बापू के चरणों के निकट अपनी प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। जमीन वापसी को लेकर अपने जीवन शैली की कसक और पीड़ा लिए टाना भगतों का भक्ति भाव देखते ही बन रहा था। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले टाना भगत, जिनका मूल मंत्र अहिंसा और असहयोग था, ऐसे में आज भी अपने मांगों को लेकर के यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। और ऐसे में आज गांधी जयंती है और तमाम टाना भगत जो है आप देख सकते हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार के पास जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। टाना भगत भक्तों का कहना है कि अभी तक सरकार कई घोषणाएं की हैं लेकिन अब तक इनकी जो मांगे थे वो पूरी नहीं हुई है। ये बताइए कि क्या कुछ घोषणाएं हुई थी और क्या कुछ आप लोग को अभी तक मिल चुका है? इस जब देश की गुलाम थी, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जितना भी गांधी जी हमारे आंदोलन छिड़े, उन आंदोलन को हमारे टाना भक्तों ने सारे आंदोलन को पूरा किए। गांधी जी को असहयोग आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने 1600 टाना भक्तों ने चार चार आना इस पैसा 54 सदस्य कहाया जाता है, वो 54 सदस्य हमारे पूर्वजों ने रामगढ़ अधिवेशन सम्मेलन में गांधी जी को सहयोग दिए। और इधर नमक सत्याग्रह में नमक खाना छोड़ दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों का सारा चीज़ को बहिष्कार कर दिया, कपड़ा पहनना बंद कर दिए, नमक खाना बंद कर दिए, सारा टैक्स देना बंद कर दिए, चौकीदारी मलगुजारी जमीन का टैक्स बंद कर दिए कि भारत को आज़ाद कराना है, ये अंग्रेजों को कोई हम लोग को सहयोग देना नहीं है। फलस्वरूप हम लोग का पूर्वजों का जमीन लीलाम कर दिया गया, हम लोग का पूर्वजों का घर द्वार को कुड़की कर दिया, हार बैल सबको लूट लिया गया अंग्रेजों ने, राजा जमींदारों ने। फिर भी हमारे पूर्वजों ने अंतिम में कहा कि करेंगे या तो मरेंगे, ये बीड़ा उठाया। और हम लोग का पूर्वजों ने सत्य और अहिंसा और धर्म की लड़ाई से लड़ने लगे। और हमारे पूर्वजों ने गांधी जी का कहे हुए रास्ते पर चलकर पूरे देश को आज़ाद किए। और आज आज़ाद देश आज़ाद नहीं हुई, आज आज़ाद के जगह में हम लोग अभी पूरे देश के आम जनता हम लोग अंग्रेजों के शासन शोषण भी अधिक हम लोग शोषण में पड़े हैं। अभी का सरकार ने हम लोग को बड़े बड़े घोषणा कर दिए कि टाना भक्तों को ये करेंगे वो करेंगे, गांव में पक्का रोड पहुंचा देंगे टाना भक्तों के लिए, डीप बुरी कर देंगे, एक ट्रैक्टर हवाई जहाज देंगे, कुछ नहीं गाय बैल देंगे बोले। अब गाय दे के हम लोगों को टाना भक्तों को फंसा दिया, हम लोग गाय सेवा करते रहेंगे कि राजनीति की यार देश की लड़ाई ये काम करेंगे? टाना भक्तों का घर द्वार कुड़की हो गया, जब्ती हो गया, उसके बारे में भी मकान देंगे चार कमरा छः कमरा ये कमरा, कुछ कमरा उमरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का यानी देश की आज़ादी हुआ तो मुख्यमंत्री बने, ये लोग राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने, किनके? देश आज गुलाम था उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं थे। देश आज़ादी के बाद में सब कोई मुख्यमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति का कहिएगा प्रधानमंत्री बने, मगर टाना भक्तों को देख के भागते हैं। अगले साल यहीं मिलने का आए थे हेमंत सोरेन जी के, उनको एक पेपर दिए मिलने का, उसको भी नहीं लेके गया वो यहाँ से, ओरना और कोरोना में भाग गया। उस समय हमारे पूर्वजों ने ऐसा लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों का गोली और टाना भक्तों का बोली। अभी देखिए इस देश में चीन की गोली है, भारत का गोली है, चीन का बोली है, पूरा देश हम लोग बर्बाद हैं। हम टाना भगत अभी भी सत्य और गांधी जी के स्मारक में हम लोग बैठे हैं और वही सोच है हम लोग के कि सत्य और अहिंसा कि और धर्म के पर हम लोग चलना है। और इस देश को जब तक हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलेंगे और नहीं मानेंगे तब तक हमारा देश सुख और शांति चैन नहीं रहेगा। दुनिया कहाँ अभी है, तो इसलिए हम लोग टाना भक्तों को कहना है कि
राम राज कायम हो, धर्म राज कायम हो, सतराज कायम हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सत्य की राह पर चलने वाले ये टाना भगतों का कहना है कि कई मुख्यमंत्री बदले लेकिन इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। सौगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।